और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि एक तेज़ रफ्तार पिकअप वाले ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक उसके साथ में था वो घायल हो गया। बाइक पर दो लोग सवार थे। जानकारी मिली है कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, उसका सिर फट गया, पूरे सड़क पर खून ही खून नजर आ रहा था। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतपड़िया गांव का है, जहां का निवासी धर्मेंद्र कुमार तिवारी पुत्र प्रेम नारायण तिवारी, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल 30 साल बताई जाती है, कल शाम को मोटरसाइकिल लेकर के दो लोग खाद लेने के लिए गोबरिया के पास गए हुए थे, जो कि पयागपुर खुटेना के पास में एक मोड़ पड़ता है। गोबरिया के पास गए हुए थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वाले ने धर्मेंद्र तिवारी को इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि तुरंत जो है धर्मेंद्र तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर सुन करके चारों तरफ से लोग वहां पर जुट गए। उसके बाद में धर्मेंद्र तिवारी के घर वालों को सूचना दी गई। बाद में घर वालों को पता चला तो घर में एकदम से कोहराम मच गया। उसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस वक्त गाँव में उनकी लाश जो है आने वाली है। अब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा, लेकिन परिवार के ऊपर जिस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है, लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। बड़े अफसोस की बात यह है कि जो धर्मेंद्र तिवारी की पत्नी है वो जो है माँ बनने वाली थी, 2-4 दिन में ही खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन सब कुछ जो है यहाँ पर मातम में बदल गया। आज घर वालों का रो रोकर के बुरा हाल है। धर्मेंद्र तिवारी की पत्नी माँ बनने वाली थी, लोगों का कहना है कि बस कुछ ही दिन बाकी थे, और धर्मेंद्र तिवारी की एक छोटी सी बच्ची है, यानी बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया। धर्मेंद्र तिवारी की मौत से आप ये जान लीजिए कि कुछ बहनें हैं जो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, और एक पत्नी यहाँ पर है जो अपने भाई के घर जा कर के अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, तो रक्षाबंधन पर ही इस तरीके से मुसीबत इनके सिर पर आ गई है। घर वालों की तरफ से जानकारी मिली है कि दुर्घटना कारित करने के बाद पिकअप वाला वहां से भाग गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे दौड़ा के पकड़ लिया। उधर यानी खुटहना से ये अपने घर का वापसी आए रहा धर्मेंद्र। हाँ, धर्मेंद्र खाद आने गया रहा, खाद पाइन की नहीं पाइन, अपन वापसी आवत रहे। अच्छा। और एक गोबार के पास में है, पिकअप वाले ने कुचल दिया। लड़के की तुरंत मौत हो गई, तुरंत दरिये पर हो गई। कब आप लोग जान पाए, कितनी देर बाद? तुरंत टेलीफोन से घर पर सूचना आई, तुरंत यहाँ से पहुँचा गया, वहाँ देखा गया। अच्छा, जो जिस पिकअप वाले ने कुचला है वो ड्राइवर, वो पिकअप कहाँ है इस वक्त? अब चौकी, पिकअप तो चौकी पर है, ड्राइवर फरार हो गया रहा से। अच्छा, ये धर्मेंद्र की उम्र कितनी? 35-36 बस। इनके पिता का क्या नाम है? प्रेम नारायण, प्रेम नारायण तिवारी। चलो, प्रेम नारायण है, मतलब की हाँ। अच्छा, और शादीवादी हो गई? हाँ, शादी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि धर्मेंद्र तिवारी घर का सबसे बड़ा लड़का और वही घर में कमाने वाला था, और उसी की मौत हो गई है। पत्नी जो है विधवा हो चुकी है, बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है। और जानकारी मिली है कि पिकअप को जो है पुलिस ने कब्जे में लिया है, लेकिन ड्राइवर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ड्राइवर पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है।